बात अब हरियाणा की। नूह में इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा है। यहां पर धारा 144 लगाई गई है। 1000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती हुई है और स्पीकर के जरिए लोगों से घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। हमारे सहयोगी मुकेश से और जानकारी लेते हैं। मुकेश, क्या स्थिति है, क्या हुआ है वहां पर? देखिए, कुछ हिंदू संगठनों ने, जिसमें विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, उन्होंने आज एक जलाभिषेक यात्रा निकालने का ऐलान किया था। ये यात्रा नूह से होते हुए पुनहाना तक जानी थी। सुबह ये यात्रा निकल चुकी थी और यात्रा में करीब 2500 लोग शामिल थे, लेकिन करीब 12 बजे के बाद आरोप ये है कि इस यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया और उसके बाद फिर दोनों तरफ से हिंसा शुरू हुई है। और ये दोपहर से जो हिंसा शुरू हुई है वो अब तक हिंसा चल रही है। कई जगहों पर फायरिंग की खबरें भी आ रही हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग की जा रही है। अब तक जो हिंसा हुई है उसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हिंसा को देखते हुए पूरे नूह रीजन में जो इंटरनेट है उसको बंद कर दिया गया है और धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं और अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उनको तैनात किया गया है और करीब 1000 जवान नूह जिले में तैनात किए गए हैं। लेकिन इस सबके बाद भी अभी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और नूह के अलग अलग इलाकों में हिंसा जारी है। खास तौर से एक मंदिर है वहां पर नुढ़ड़ का, उस मंदिर के अंदर 2500 लोग फंसे हुए हैं और मंदिर के चारों तरफ दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हैं और ये जानकारी मिल रही है कि मंदिर के परिसर में फायरिंग जारी है, कुछ लोग फायरिंग में घायल भी हुए हैं, ऐसी जानकारियां भी मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी हिंसा का दौर जारी है और इस हिंसा में करीब 1 दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और 20 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो कुल मिलाकर अभी हरियाणा पुलिस ये कोशिश कर रही है कि हिंसा को रोका जाए, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक नूह में जो हिंसा दोपहर में शुरू हुई थी वो लगातार जारी है। धन्यवाद, आप नजर बनाए रखें हालात।